ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए खुद मरा हुआ घोषित कर दिया था। इसकी पुष्टि उसके माता पिता ने भी की थी। वहीं आरोपी ने दूसरी पहचान पत्र बनाकर दिल्ली में रह रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी दिल्ली में रह रहा है। बता दें कि 9 साल पहले बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में प्रंकुल शर्मा नामक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया गया था और उसके परिजन से फिरौती की मांग की गई थी। बाद में डबरा के पास सिंध नदी में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस को तफ्तीश में इस बच्चे की शव शिवपुरी से बरामद किया गया है। इस मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिसमें 8 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर था, जिसे पुलिस ने अब धड़ दबोचा है। एक अन्य प्रकरण में 2013 में थाना बहोड़ापुर क्षेत्र में एक युवक की फिरौती के लिए अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुल 9 आरोपी थे। 8 आरोपी जो हैं उसमें पूर्व में गिरफ्तार हो गए थे और इस लड़के का जो डेड बॉडी थी ये शिवपुरी में बरामद हुई थी। इसका जो एक आरोपी था ये अपना हुलिया बदल के दिल्ली में रह रहा था और इसके घर वालों ने इसको मृत घोषित कर दिया था, जिससे कि पुलिस की निगाह से ये बचा रहे।